पुरानी दिल्ली का मशहूर नहारी बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट अब आपके शहर मुमरा में। आपको दिल्ली जाने की अब जरूरत नहीं, जहां आपको मिलेगा बल्ली मरान स्पेशल थाल, बोंग नहारी, मटन नहारी, बफाया मटन भेजा तड़का नहारी, दिल्ली की डेक मटन चाप मसाले के साथ, आपका पसंदीदा रोटी नान, लवासा नान, तंदूरी रोटी और कुलचा भी मिलेगा। हर एक स्वाद हमारी कहानी का हिस्सा है, बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट जो अब आपके शहर मुमरा में। बेमिसाल स्वाद के साथ दिल को छू जाने वाला जो आपको हमेशा याद रहे। बेहतरीन सर्विस के साथ बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट से आप घर बैठे फ्री ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। सुबह सुबह तूफानी हवा के साथ जोरदार बारिश हुई, जिस वजह से शहर के कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ बिजली के खंभे पर गिरे, कई घंटे तक यातायात भी बाधित रही। तो वहीं लोकसभा चुनाव के प्रचार कार्यालय भी इस तूफानी हवा के भेंट चढ़ गए। अमरावती में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया है। सभी प्रत्याशियों के प्रचार कार्यालय भी हाईटेक कर दिए गए। हालांकि शुक्रवार के आधी रात को हुई तूफानी बारिश की चपेट में आने से बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा का हाईटेक कार्यालय पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अमरावती लोकसभा चुनाव प्रचार ने जिले में रफ्तार पकड़ ली है और अब सभी उम्मीदवारों ने अपने मुख्यालय यानी प्रचार कार्यालय को हाईटेक बना लिया है और इस कार्यालय में सभी सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी गई हैं। अमरावती लोकसभा क्षेत्र के महायुति के उम्मीदवार नवनीत राणा का हाईटेक कार्यालय रेलवे स्टेशन क्षेत्र में खुली जगह पर बनाया गया था। इस हाईटेक ऑफिस में इंटरनेट सुविधा से लेकर प्रचार सामग्री, सभी बीजेपी नेताओं के कटआउट LED स्क्रीन तक सब कुछ सुविधाएं यहां पर लगाया गया था। लेकिन शुक्रवार को आधी रात के करीब अमरावती शहर में बिजली कड़कड़ाने के साथ साथ तूफानी बारिश हुई और इस तूफानी बारिश में राणा का प्रचार कार्यालय पूरी तरह से जमींदोज हो गया। इस बारिश में जहां जहां ये कार्यालय नष्ट हो गए हैं, वहीं कई जगहों पर कल होने वाले बाबा साहब अंबेडकर जयंती के होर्डिंग भी गिर गए थे, जबकि कॉटन मार्केट इरविन इलाके में कई जगह पर पेड़ गिरने की भी खबर सामने आई है।